अच्छा, जो भी वो सांड ले आए हो जो आप है, अब तो बूढ़ा हो गया है। अच्छा जी, उसकी बच्ची है, दूध का रिकॉर्ड अच्छा रहा है उसको। अच्छा जी, ये भी पहलन ब्यारी है, ये भी उसी सांड की बच्ची है। अब तो ये ब्याई होगी 6-7 महीने की होगी। अब भी आप दूध देख लो 10+ होगा ये बच्चा। ये इसका बच्चा देख सकते हो आराम से, अब 5-6 महीने की तो बिल्कुल जी, 6 महीने से प्लस। इसका भी रिकॉर्ड मैंने 15+ रहा है, इसका भी 15+ रहा है। अच्छा, ये थार पार्कर का बुल है, ये प्योर थार पार्कर। थार पार्कर जो मतलब हरियाणा, उसमें पहचान कैसे हुआ है? इसकी एक तो झालर हुआ है जी, थार पार्कर किला शरीर हुआ है इसका, थार पार्कर का। अच्छा जी, जो ये नीचे झालर दिख रही है, झालर है नीचे, मुतना भी लंबा मिलेगा। अच्छा जी, और मुंह भी ये आप देख सको हो, हरियाणा में और इसमें तो बहुत अंतर है। ये माँ है जी, इसका ताजी ब्याई का दूध का रिकॉर्ड 16-17 ही रहा, इसीलिए इसका जो ये बच्चा है। अच्छा जी, सांड तैयार कर। थार पार्कर में ये भी खासियत है थोड़ी, वहाँ पर जो मत्था है इसका थोड़ी उठाओ मिला है ना, ये तो हुए हैं जी, लेकिन हरियाणा के ज्यादा हो, हरियाणा का ज्यादा हुआ ये। अच्छा, ये इसका मतलब सांड तैयार करने लग रहे हैं। अब तो ये बाकड़ी होगी, ये भी 6-7 महीने की। इसका दूध निकालिया है? हाँ, दिखाइयो। अब तो टहल दिखाए तो दिया करो दाम। ये हरियाणा है जी, ये हरियाणा। अच्छा, ये है इसकी सुंदरता चोटी, बच्ची बहुत सुंदर है। इसकी माँ दूध का कितना रहा रिकॉर्ड जी? इसकी माँ जी अब तीसरे बेरी है, 13-14 के आसपास दिया है, 13-14 लीटर के आसपास तीसरा ब्यांत है। हाँ जी, तीसरा ब्यांत है। तो जो इसका बुल, इसकी वो जो इसका लले पिता है, वो अच्छी नस्ल का, वो भी नस्ल का है। अच्छा जी, तो आगे जाके ब्रीड में मतलब सुधार के बहुत बड़े चांस है। तो आप भी देख लो, और सुंदरता तो बताने लग रही है बच्ची की, बहुत सुंदर है। और इसका दूजन ब्यांत है जी, पहली बार दूध दिया इसने 13-14 के आसपास। अच्छा जी, दूसरा ब्यांत है। अभी इसका समय है जी 20-25 दिन, 20-25 दिन ब्याने के रह रहे। ये भी सेल पे है? हाँ। अच्छा, नव क्रॉस है उसका नहीं। कितने के आसपास है कीमत इसकी? इसकी मैक्सिमम आप लगाओ जी 75-80 के आसपास, 75-80 हजार के आसपास है। अच्छा अच्छा, ये जो हमारा वो बुल है NDRS से लेके आए थे। अच्छा, ये उसका बच्चा है तो इसीलिए इसने तैयार, जो NDRS से लेके आए थे जिसका दूध का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, ये उसका है बच्चा, बच्चा ये बुल तैयार किया आपने? बुल तैयार करने लग रहे हैं। खीरा है अभी तो, ये कौन सी नस्ल है आपने? ये साहिवाल जी, साहिवाल। कितनी उम्र है इसकी फिलहाल? इसकी उम्र होगी जी 20 महीने। ये लगा लो आप 1.5 साल से थोड़ा ऊपर हो गया।
और शरीर बहुत सुंदर है फिलहाल इसका, और अभी तो मतलब और भी बिल्कुल बिल्कुल अभी तो लेगा। हाँ है अभी तो इसका मतलब बच्चा लगा ले संत है। अच्छा जी, चैंपियन कौन सी नस्ल है? ये प्योर हरियाणा ब्रीड है। प्योर हरियाणा, चार बार इसने फर्स्ट के इनाम जीत रखे, चार बार फर्स्ट के इनाम। और उम्मीद ये है कि अब आगे जनवरी में जो भी प्रदर्शनी लगेगी इसका फर्स्ट प्राइज आओगे। चार बार फर्स्ट में कितना मिल गया इसका रिकॉर्ड भी इसका जी? एक बार इसने 16,300 निकाला था। अच्छा, 16,300 कहाँ पर आई थी फर्स्ट? ये एनडीआर आई, एनडीआर में। दूसरी बार? दूसरी बार इसने निकाला जी 18,700, ये भी एनडीआर आई। अच्छा जी, दो इनाम हमने एनडीआर में जीते थे, एक इनाम जीता था हमने पंजाब में। यह सेल के लिए नहीं है अपने, यह स्पेशल अपने गौशाला की चैंपियन है। चलो, इसकी बच्ची वगैरह? हाँ, इसकी बच्ची तैयार करने लग रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही ये गंगा है जी, इसका नाम गंगा है। गंगा, इसका भी दूध का रिकॉर्ड अच्छा रहा, अब तो ये भी आई होगी 6-7 महीने की। इसका ये बच्चा है, ये रिकॉर्ड भी इसका 16-17 रहा है। ये है? हाँ, ये बच्चा है इसका। कौन सी नस्ल में आएगी ये? थार पार्कर का है। थार पार्कर का है, हाँ वही, मतलब झालर वगैरह जो भी है इसका। ये आगे ब्याहेगी ये तो है? अब ये ग्याबन है जी, ग्याबन है फिलहाल यही। अच्छा, ये है अपनी गौशाला में, इन में है, लेकिन वो बच्ची मेरे ये सांड भी मारा है ना भी। इनमें तो मतलब ऐसे कोई आओ बच्चे वगैरह लेने तो दे देते हो? देखो जी, जो हम कंपटीशन के लिए रखा वो नहीं देते। अच्छा, वो नहीं देते। हाँ, जैसे ये होगी। हाँ जी, ये अच्छा जी, वो थार पार कर खड़ी है। हाँ, सफेद वाले जी, जज्जर है इसका, सेकंड का इनाम आ था। अच्छा जी, अच्छा जो वो नहीं, ये बच्ची है छोटी। क्योंकि ये हम कंपटीशन खातिर रखते हैं। अच्छा, ये नहीं देखते। चलो, कोई भाई मतलब कुया सेल के लिए या पूछने के वास्ते कॉल वगैरह करो तो नंबर अपना? नंबर 98। हाँ, 126। हाँ जी, 46। हाँ, 46। हाँ जी, 9। नाम बता दो एक बार। आजाद राणा। आजाद रहना तो संपर्क किसी का कोई भाई सेल के लिए या कुया भी आए के देखने वास्ते या देख के जाओ तो। गाय तो अपना देसी तो और भी मिल जाएगी जो? हाँ, मैं देसी परचेज कर दे रहा हूँ जी। चलो भाई, आगे दिखाइए वीडियो। वीडियो टीम का भी ले जी भाई, ये आज वो सारे ये यहाँ पर जो गायों की सेवा करते हैं, बड़े ही सही मन तक कराइए सेवा, और बात करने का तरीका भी इनका अच्छा है। हम आए, बात भी अच्छी करी, और गायों को मतलब दिखाया आपको जो पहले वीडियो में सब लगे हुए थे, धार वगैरह जो भी इनका खड़ वगैरह अच्छे तरीके से लगा हुआ है। लहरों की दी, ये हमारी पूरी टीम है जी, जो मले गौशाला के मेहनती, ईमानदार और लगनी, इन्हीं के सारे मले जो हम ब्रीड का काम कर रहे हैं, इन्हीं के उसे काम कर रहे हैं, इन्हीं के बदोदल चल रहा है। तो ये मतलब पूरी मेहनत है और उससे लगन से काम करते हैं यहाँ पर। मतलब ये नहीं है जी भाई रात हो रही है भाई अब सो के उठे हैं, किसी भी टाइम अगर मतलब कोई भी काम को इनको मतलब बुला में नहीं, बिल्कुल जुम्मेवारी से काम कर रहे हैं। चलो एक बारी सारे बोल दो, गौ माता की जय। जय हो। तो वीडियो किसी लगी भाई शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, और किसी एक गौ माता चाहिए बढ़िया ब्रीड सुधार पर तो संपर्क कृषि को भाई साहब है।
तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गो माता, जय जवान, जय किसान।